देखिए न्यूटन के गति के तीन सिद्धांत हैं, पहला जड़त्व का, दूसरा संवेग का और तीसरा बैलेंस होने का, मतलब क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। पहला है जो ठहराव का, दूसरा है संवेग का और तीसरा है, मैं इसको बैलेंस लिख लेता हूं सीधे आपको, दूसरे के बाद ये है तीसरा बैलेंस का। पहला जड़त्व का क्या है, ये ठहराव लाता है। कोई भी वस्तु अपने गति में तब तक गतिमान रहता है जब तक उसको कोई बाहरी बल ना लगे, ठहराव। दूसरा है संवेग का, गति देने का, और तीसरा है बैलेंस का। अब ये न्यूटन साहब तो निकल लिए, हम लोगों ने इनको पढ़ लिया, अब चलिए गीता के 14वें अध्याय में आप लोग देखिएगा। श्लोक में हिंदी में बोल देता हूँ आपको, वो ज्यादा समझ में आएगा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता। फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। उसी में कहते हैं, ये बीच वाला आपके लिए है, मैं इस पे आऊंगा, और ये पहला और दूसरा ये साधकों के लिए, जो कोई साधक है जो साधना करना चाहता है उसके लिए है। और इसको वास्तु में कैसे ले जाते हैं, वहां तक हम चल, किसी भी वास्तु में इसको कैसे अटैच कर लेंगे, ये करते हैं। इसी श्लोक में आगे है, हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। ये भी आपके लिए नहीं है, अगर आप में से कोई साधक हो तो क्वेश्चन कर दे, उसके लिए है। देखिए गीता में ये कृष्ण ने बहुत साल पहले, बहुत अब जब भी कृष्ण पैदा हुए होंगे, इसका कोई प्रॉपर साक्ष्य नहीं है कब पैदा हुए होंगे और क्या रहा होगा उनका, बहुत सालों पहले उन्होंने तीन गुण के बारे में बताया था। वस्तुतः सांख्य ने इसको बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या किया इन तीन गुणों का। ये तीन गुण हमारे अंदर पाए जाते हैं, प्रकृति में हमारे शरीर के अंदर ये तीन गुण पाए जाते हैं। पहला है तमस, दूसरा है रज और तीसरा है सत्व। ये तीन गुण आप देख लीजिए, तम क्या है, तम का मतलब होता है स्थिति, जिस स्थिति में है ठहराव। तमस गुण, हमारे अंदर जो तमस गुण है उसका मतलब होता है स्थिति, ठहराव, एक ठहराव जहां पर हम ठहर गए वो है तमस। गति जहां से आती है वो है रजस, और जो बैलेंस करता है वो है सत्व। ठीक, न्यूटन के इस नियम से इसको हम कैसे जोड़ें, इसमें देखिए तमस रजस और सत्व ये हमारे आपके प्रकृति में है, ये हम और आप इस टाइप के होते हैं, हम इसी तीन गुण में होते हैं। या तो आदमी ठहरा हुआ होता है, या तो आदमी बहुत क्रियाशील होता है, या आदमी बैलेंस में होता है, इन तीनों गुणों के पार भी है। गुणातीत जो उसमें बताया गया था वो उसी श्लोक में है, आगे अगर कोई साधक हो इसमें तो मैं उसके लिए उसकी व्याख्या कर सकता हूं, या उसके लिए पर्सनल हम कर लेंगे। ये जो न्यूटन के तीन नियम है, पहला जड़ता, दूसरा संवेग का, गति का, और तीसरा है क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब बैलेंस का। आप ऐसे ले लो, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, बचपन में
रजस इतना ज्यादा होता है कि उसमें तम आ नहीं पाता, बुढ़ापे में तमस इतना ज्यादा होता है कि उसमें रज समा नहीं पाता, जवानी बैलेंस होती है। ऐसे करके आप इसको समझ लो, ये तीन गुण। अब आप न्यूटन को छोड़ दो, यहां पर चलो, ये न्यूटन नया है मगर हमारे लिए बहुत पुरानी चीज हमारे हाथ में है, रजस तमस और सत्व। इसको बैलेंस कैसे करें, वास्तु में कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए आपको तीन ही समस्या आती होगी, कहीं भी आपको देखने को मिलती होगी, या तो ठहरा हुआ है, या तो गतिशील बहुत ज्यादा है, ठहराव ही नहीं है, या तो बैलेंस नहीं हो पा रहा। आप इन तीन गुणों को अगर ठीक से देख लें वास्तु में, इन तीन तत्व को ठीक से समझ लें वास्तु में, तो वास्तु आपका 75% 80% सीधा सीधा हो गया, आदमी को बदल देने से ही हो जाएगा। आदमी में क्या बदलाव कर दें कि वास्तु देखिए, मेरा जो अनुभव है, पर्सनल अनुभव है, मैंने कई लोगों से यह अनुभव किया भी है, दूसरों को भी दे देकर यह अनुभव किया है, पर्सनल आपको बदल दिया जाए तो आपके घर का वो सामान भी बदल जाता है जो आपने गलत लगाया हुआ है। अधिकतर देखा है कि जैसे आपको कोई परेशानी हो रही है और उस परेशानी को हमने ठीक कर दिया, पर्सनल ठीक किया, आपके घर में कोई सामान कहीं पर था जो मुझे पता नहीं चल रहा है या आपको पता नहीं था, आपके घर नहीं गया मैं, वो सामान अपने आप हट जाता है, कोई हटा देता है उसको, बाहरी फोर्स उस पर पड़ गया, क्योंकि आप ठहरे हुए व्यक्ति थे और ठहराव में थे, ठहरे हुए थे, आपको वो बाहरी फोर्स एक पड़ गया आपको ठीक करने से, आप दोनों को रिलेटेड हैं इसमें। इसको वास्तु में कैसे जोड़ा गया है, मेरे देखे जो वास्तु में इसको, और जिससे मैं काम भी करता हूं, इससे बहुत सारे रिजल्ट भी लिए हुए हैं, इसको वास्तु में जो जोड़ा है, देखिए तीन तत्व तीन गुण दिए हुए प्रकृति में, ये तीन गुण हैं जो इंसान में पाए जाते हैं, तम रज और सत्व। इन तीनों को आप कैसे जोड़ेंगे किसी भी घर में, या किसी, पहले सबसे पहले तो आप मानव प्रदत्त व्यापार है, मानव प्रदत्त सारी चीजें हैं बाहर की, ईश्वर प्रदत्त अगर कुछ है तो वो शरीर है, ऐसा मान्यता है कि ईश्वर ने इस शरीर को बनाया हुआ है, यह भी मानव प्रदत्त ही है, ऐसा मान्यता है कि जो पहले कभी कुछ हुआ होगा तो वो ईश्वर ने किया है, ईश्वर ने बनाया है ये रचना, और ये ईश्वर की सबसे अनूठी रचना है इंसान। इसमें पहले चलिए कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं और ये तत्व उससे मेल खाते हैं या नहीं। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व है, हमारे शरीर में अग्नि तत्व है, हमारे शरीर में जल तत्व है, वाटर एलिमेंट है। अब देखिए ये तीनों तत्व इससे मेल कैसे खाते हैं। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व है, ठहराव के लिए तम आ गया, तो आप इसी को देखिए, हाँ देखिए ठहराव के लिए तम आ गया, गति के लिए रज आ गया और बैलेंस के लिए सत्व आ गया। ठहराव कौन सा तत्व है हमारे शरीर में, पृथ्वी तत्व। रज अग्नि तत्व और सत्व जल तत्व। उदाहरण के लिए लीजिए, कभी भी आप देखिएगा कभी शरीर एसिडिक हो जाए, कभी शरीर कुछ शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप इसको एक्सपीरियंस करिएगा, आप भी बैठे होंगे अभी भी, आप इसको कर लीजिए, एसिडिक हो बॉडी, 10-10 मिनट पर, 5-7-10 मिनट पर एक साइकिल बनाइए और पानी शरीर को देते जाइए, शरीर को पानी देते जाइए, गुस्सा आ जाए तब भी, शरीर में कोई भी रसायन इधर से उधर हो जाए उसमें आप पानी शरीर को देते जाइए 10-10 मिनट पर, 15-15 मिनट पर, एक कॉन्स्टेंट मात्रा में आप पानी देते जाइए शरीर को, 1.5-2 घंटे में आपका शरीर बैलेंस हो जाएगा। वाटर बैलेंस करता है हमेशा ही, ठहराव जो लाता है, बिल्कुल ठहराव, ठहरी हुई स्थिति है, वो है पृथ्वी, जो पृथ्वी तत्व है, और अग्नि तत्व के बिना आपकी गति असंभव है। जब भी कभी आपको, आप मेरे पास भी क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार आता है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, सब कुछ आ भी रहा है, बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें हैं भी, मगर वो कंटिन्यूटी नहीं बनती। जब भी कंटिन्यूटी की कहानी आए कि एक महीना ठीक चला, दूसरे महीने ठीक नहीं चला, दो महीने ठीक चल जाता है, फिर एक महीना झटका लग जाता है, 10 दिन ठीक चलता है, फिर ऐसे हो जाता है,
तो सीधा सीधा उसको देखिए उसके ठहराव पे, उसका तमस जो है वो गड़बड़ है। तमस या तो उसका बहुत ज्यादा है या तमस है नहीं। उसके भोजन पे जाइए, वो कैसे कैसे भोजन ले रहा है, फिर हम साउथ वेस्ट वगैरह देखेंगे। ये वास्तु फिजिकल वास्तु में आ गया। मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो एनर्जी से संबंधित काम कर रहा हूँ, तो मैं फिजिकल बहुत ज़्यादा जाता नहीं। फिजिकल भी मैं जाऊँगा, अब मैं आगे आने वाले वास्तु के सेशन में फिजिकल मैं जाऊँगा कि कैसे साउथ वेस्ट या किसी ठहरने वाले तत्व से क्या होता है, किसी चलने वाले तत्व से क्या होता है, और कैसे चला जाता है चलने वाले तत्व से, बैलेंस कैसे करेंगे। आप ऐसे समझ लो सीधा सीधा, एक आदमी है जो दिन भर बहुत काम करता है, दौड़ता भागता रहता है। अब उसको शाम को नींद आने के लिए उसको तामसिक भोजन, लिकर की ज़रूरत होती है, शराब की ज़रूरत होती है, उसे किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तमस की ज़रूरत होती है, जिससे वो ठहरे, ठहराव में आए। कोई भी भागने वाला आदमी, ज़्यादा गाड़ी चलाने वाला आदमी, चलने वाला आदमी बिना शराब पिए रह नहीं पाएगा। आप ध्यान करिए, मोटरबाजी जो बोलते हैं, मोटरबाजी होटल, ये शराबी होते ही होते हैं, उनको नींद नहीं आएगी इसके बिना, वो ठीक से रह नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे इसके बिना, क्योंकि वो इतने रज में रहते हैं, इतने गतिशील रहते हैं कि ठहराव के लिए उनको तामसिक भोजन की जरूरत पड़ जाती है, तमस वाले भोजन की जरूरत पड़ जाती है। तमस वाले भोजन पे जब आप जाते हैं तो ठहरने वाली प्रवृत्ति आ जाती है, या आपके किसी क्लाइंट में या आपके किसी आदमी में अगर ऐसी प्रवृत्ति हो जो बिल्कुल ठहरा हुआ दिखे, तो आप उसके भोजन को सबसे पहले देखिए कि ये तामसिक भोजन बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहा। हर किसी में आप तीन गुण ले सकते हैं, एक आंख में देखने की दृष्टि में तीन गुण ले सकते हैं आप, आपकी दृष्टि कैसी है, आपकी दृष्टि तामसिक दृष्टि है, आपकी दृष्टि रजस है या सात्विक दृष्टि है, आपको दृश्य वैसा ही दिखेगा। आप बोलने में ले सकते हैं कि आप बोल के समझ सकते हैं ये आदमी किस गुण का है, तामसिक गुण का है, रजस है या सात्विक गुण का है। बोलने में देख सकते हैं, आदमी बोलेगा एक ही फ्लो में अपनी बात रखता ही चला जाएगा जब तक उसको बाहरी किसी फोर्स से उसको हटा नहीं दिया जाए। पहला नियम जो होता है जड़त्व का या तम का, वो ठहरा हुआ है बोलने में ही, कुछ कर नहीं पाएगा उससे, वो बोलते बोलते चला जाएगा, रहता उसी बोलने में चला जाएगा और वो उस बोलने में ही ठहरा हुआ है। हमारे पास जो है ना शरीर ईश्वर प्रदत्त है, और सारी चीजें व्यापार, अब व्यापार में जब ले जाएंगे जो हमारा प्रदत्त है उसमें भी ये तीन चीजें काम आएंगी आपके, ठहराव, गति और बैलेंस। अगर ठहराव कम है तो आदमी भटकता ही रहेगा, अगर गति कम है तो काम नहीं हो पाएगा, उसका काम नहीं चल पाएगा, काम वो वाले क्वेश्चन होते हैं कि कुछ हो नहीं पा रहा। गति कम है अगर, तो ठहरा तो हुआ है वो, उसकी गति कम है, वो चल नहीं पा रहा, अब आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये तीनों तत्व आपके समझ में आ गए, तीनों गुण समझ में, तत्व ये नहीं है, और दो तत्व जो है आकाश और हवा, वायु तत्व, इनकी केमिस्ट्री थोड़ी अलग है, इसको ठीक से मुझे, आप लोग इतना ज्यादा नहीं जानते हैं तो मैं इस बड़बोलेपन में नहीं जाना चाहता कि ठीक से समझ नहीं पाए लोग कि कैसे होता है, या जो भी डिजाइन अभी तक हुआ है वो बखूबी अच्छा है, इससे और अच्छा डिजाइन हो सकता है, वो भी समझे, बहुत अच्छा समझे, जहां तक लेकर आए जो लोग लेकर आए वो बहुत अच्छा लेकर आए, इसको और अच्छी तरह से डिजाइन की जा सकती है, डिजाइन कर सकते हैं, और मैंने डिजाइन किया है, मैंने उसके लिए कोर्स भी निकाला हुआ है, तंत्रा वास्तु कैसे इस इन गीता के इस श्लोक से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे न्यूटन हमारे बहुत बाद आया है, जो हमने पहले ही दे दिया है। अब ये तीन का बड़ा चक्कर है हमारे यहां पर, और पूरे विश्व में ही तीन का बहुत एक खास रोल है तीन का। ईसाइयत भी कहते हैं ट्रिनिटी, हिंदू कहते हैं त्रिमूर्ति। आप ऊर्जा के सबसे लास्ट वाले छोर पे जाएंगे तो भी तीन चीजें मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो भी यही तीन गुण हैं। एक मारते हैं, जो मरने का गुण है ना वो ठहरने का हो गया तम का, एक बैलेंस करते हैं और एक जन्म देते हैं, जो जन्म देते हैं वो रज का हो गया, गति का, और बैलेंस करने वाले विष्णु हो गए। ये तीन गुण
इन तीन गुणों को समझ लीजिए। आने वाले हमारे और सेशन में इन तीन गुणों पे और भी हम ज्यादा जाएंगे, कैसे आपके कोई भी क्वेश्चन हो इन तीन गुणों से कैसे उसका संबंध बन सकता है, ये मैं आपको करना सिखा दूंगा।